फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और बार फिर आज की एक नई वीडियो में। नाम विकास, आप देख रहे हैं अपना खेड़ी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे, आगे भी बढ़िया ही रहेंगे। तो आज मेरा पहला एग्ज़ाम था, 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम आज था। तो मैं थोड़ी पढ़ाई पढ़ी कर रहा था घर में, थोड़ी बहुत क्या कर ही रहा था ढंग से। तो माता रानी की कृपा से एग्ज़ाम भी अच्छा ही चला गया। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे विनोद बाबू भी, जिनका कल भी एग्ज़ाम है। आज हमारे साथ आए थे ये हमारा साथ देने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें विनोद जी से मिल, मतलब बहुत ही दिनों बाद हम मिले हुए हैं। एक महीना लगभग हो ही गया होगा, हमने इनसे बात भी नहीं की है क्योंकि हमारा तो रिचार्ज ठीक था, पर इनका रिचार्ज ख़त्म हो चुका था और हम इनको कॉल भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसमें रिचार्ज इनका था नहीं। एयरटेल की सिम है, जियो की होती तो कर भी पाते, पर आजकल तो जियो की सिम में भी प्रॉब्लम आ चुकी है। तो विनोद जी की जुबानी सुनना चाहेंगे कि कैसे इनने थोड़े दिन काटे हुए अपने। तो विनोद जी बताएंगे कुछ, कैसे आप हमारे बिना रहे? बस रह लिए, फ्री फायर जिंदाबाद। फ्री फायर, ये बहुत ही अच्छे प्लेयर है फ्री फायर के, हिमाचल में इनने नाम कमाया फ्री फायर से। इनका M24 में जो गन है उसमें 7वां रैंक है इनका, अब तो पता नहीं 8वां हो गया होगा, 7वां हो गया। लेकिन हम बताना चाहते हैं, फ्री फायर के बहुत ही बड़े प्रो प्लेयर हैं, पर इनसे बड़े प्रो प्लेयर हम हैं। मतलब हमने तो बहुत ही तगड़े तरीके से घासा हुआ है उसमें सपनों में नहीं, रियल में भी घासा हुआ है। चल भाई, एक बार घासा में तो एक ही बार घासा हुआ, मतलब घासा तो एक बार ही पर बोलना पड़ता है। तो यहाँ काम भी चला है, देख सकते हैं आप, मेरे हाथ में दर्द लग चुकी है। मैं आगे आपको और जगह दिखाता हूँ। इस प्रकार के परिवर्तन आ चुके हैं कंडाहाट में, मतलब कंडाहाट से आगे ये एक रोड आगे है, एक मोड़ आगे, सॉरी। तो बहुत ही परिवर्तन आ चुका है यहाँ हम, क्योंकि बहुत ही समय बाद यहाँ आए हुए हैं। बहुत ही अधिक हमें आपसे बातें करनी है। देख सकते हैं यहाँ दुकानें इत्यादि है, घर इत्यादि है लोगों के, बहुत ही अच्छी सीनरी है। मतलब धीरे धीरे यहाँ कंडाहाट का विकास होता जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं गणपति ट्रेड्स, देख सकते हैं आप, मतलब गणपति ट्रेड्स यहाँ क्या, ये है रंग रूम का कुछ यहाँ कारोबार होता है। यहाँ से नीचे मुझे भी नहीं पता क्या है, मतलब साल तो मुझे 2 साल हो चुके हैं यहाँ, लेकिन मुझे नहीं पता ये क्या है। ये हमारी गाड़ियाँ इत्यादि, हमारी गाड़ियों की कलेक्शन है। और विनोद जी कुछ नेताजी बताना चाहेंगे आप हमारे सब्सक्राइबरों से, कुछ कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगा मैं हूँ तो खुश क्योंकि मेरा पेपर बहुत ही ठीक हुआ है, और गलत तो नहीं हुआ पर अच्छा हुआ है मेरा पेपर। मैं बहुत पूरे, खुश पूरे पूरे 100 में से 24 नंबर का करके आओ बंदा। ये तो थोड़ा बहुत ही कम बोल दिया आपने, और थोड़ा ज़्यादा बोलना चाहिए था। ये देख से आप बिजली का जो यहाँ से मेरे ख्याल से ये लोकल एरिया को यहाँ से बिजली आती है, देख से बिजली का खंभा है। और यहाँ गांव इत्यादि, यहाँ से हमारे ये वही जगह है, वही सड़क है जहाँ से आशीष जी डेली अपने घर को पैदल जाते हैं। हाँ, आपने उनका नाम सुना ही होगा, ए बी टैग के नाम से विख्यात है वो, बहुत ही बदनाम है वो बंदा, बहुत ही फेमस हो चुका है। बहुत मतलब नॉलेजफुल वीडियो बनाते हैं वो लोग। और यहाँ गाड़ी भी धीरे धीरे चल ही रही, मतलब बाहर की गाड़ी आ रही, पी बी और ये तो HP की, ये तो हमारी गाड़ियाँ है इसमें। यहाँ आगे कुछ कैप्टन इत्यादि हमें दिख रहे हैं मैच के। और यहाँ से ट्रक भी आ चुका है, कोशिश करेंगे कि हम कोई ना कोई मतलब गड्डी को रोक पाए, लेकिन ऐसे लोग हमारे को रुकते नहीं देख के क्योंकि चोर इत्यादि समझ लेते हैं हमारी शक्ल ही कुछ ऐसी है। विनोद तो बहुत ही बड़ा चोर दिखाई जान पड़ता है। तो आज की वीडियो में इतनी नोक झोंक, क्योंकि हमारी मेन मुद्दा था कि हमारा एग्ज़ाम था, बहुत ही अच्छा गया, 100 में से 24 नंबर तो नहीं कह सकते हम, मतलब ज़्यादा ही कह सकते हैं, अच्छे नंबर हमारे आ जाइए। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगले पेपर के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। विनोद को भी आप आशीर्वाद दे दीजिए क्योंकि कल इनका पेपर है, इसलिए कहते हैं पढ़ने में ध्यान दो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी मेरे फ्रेंड्स मतलब जिनका कल पेपर है, तो कृपया
मेरी वीडियो आप पेपर के बाद ही देखें, पेपर के अगले दिन पढ़ लीजिए घर में, कुछ देश के लिए कर लीजिए, क्योंकि मैं मेरे जैसा दोस्त आपके लिए दोस्त और मेरे जैसा होस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो गाड़ियों के शोर से मैं कुछ बोल नहीं पा रहा, तो मैं बताता हूँ कि मेरे जैसा दोस्त मेरे जैसा होस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा जो आपको ज्ञान की बातें बताएगा। पढ़ना लिखना कम करना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा उसकी गेम है। यस, बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात कही इतने। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपके लिए भी मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ है, सुखी रहो और मुझे कुछ आशीर्वाद दे। पढ़ते लिखते तो सब है पर मस्ती मारते कम करते। यस यस, यही जिंदगी होती है, मस्ती खूब मारो, पढ़ो भी, कोई बात नहीं, कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं, जितना आपसे होता है उतना। क्योंकि हमारे एक गुरु थे जो हमें, जिनने टेंथ तक पढ़ाया, संस्कृत पढ़ाई थी हमारे शास्त्री जी ने, शास्त्री सर ने, तो वो भी हमें यही कहते थे कि जब तुम्हारा मतलब उचित बात कहते थे वो, कि पढ़ाई के साथ साथ मस्ती इत्यादि भी जरूरी है। तो उनकी इस बात से मैं बहुत ही सहमत हूँ, इसलिए हम कहते हैं कि पढ़ाई करो, मस्ती मारो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय, टेक केयर।